देखते हैं हॉलैंड की क्या डेफिनेशन थी ज्यूरिसप्रूडेंस पे। तो उसने कहा कि बेसिकली तो ये भी पॉजिटिव लॉज के अंदर विश्वास रखता था। पॉजिटिव लॉ का मतलब कि आप कानून बनाओ और उससे आप एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो सोसाइटी में, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो वो हो जाएगा। आप चोरी के खिलाफ लॉज बना दो, चोरी रुक जाएगी, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। तो बस ये चाहता था कि इसके बारे में एक एनालिटिकल अप्रोच हो, एनालिसिस हो, जनरल रूल्स फॉर पीपल एनफोर्स बाय सोसाइटी हो, स्टडी द फॉर्म एंड नॉट द इम्प्लीमेंटेशन। तो इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि ये रादर दैन आप जब कानून बनाते हो तो कानून को आप एक टोटल पर्सपेक्टिव में लेना चाहोगे कि उसको अल्टीमेटली उससे सोसाइटी पे क्या असर पड़ा। पर जो हॉलैंड था वो ये पूरा अप्रोच ना लेके वो सिर्फ फॉर्म को स्टडी करना चाहता था। मान लीजिए कि जो लॉ इंटेंड क्या करता है, अब इंटेंड तो लॉ कुछ करता होगा लेकिन उसका एक्चुअल अचीव क्या कर पाया, वो इस चीज़ से उसको कुछ लेना देना नहीं था। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को हॉलैंड ने अपने स्कोप से बाहर निकाल दिया और सिर्फ वो अचीव करने के लिए क्या इंटेंशन है उसकी सिर्फ वही देखता था। पॉजिटिव लॉ से हाउ पॉजिटिव लॉ इज़ अप्लाइड, इसको उसने निकाल दिया बाहर। जो फॉर्मल साइंस बनाने की कोशिश की हॉलैंड ने, कि एक फॉर्मल साइंस के अंदर जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में चीज़ें होती हैं उससे कुछ लेना देना नहीं होता। तो ज्यूरिसप्रूडेंस इज़ नॉट कंसर्न्ड विद एक्चुअल मटेरियल कंटेंट ऑफ लॉ बट ओनली विद द फंडामेंटल कंसेप्शंस। तो अगर आपने एक बेसिक जो लॉ को लिखने के लिए लैंग्वेज भी यूज़ की है उससे भी बाहर निकाल दिया ज्यूरिसप्रूडेंस को, और एक्चुअल जो भी आपकी लेजिस्लेशन है उसके से भी बाहर, तो सिर्फ एक बेसिकली थ्योरेटिकल स्टडी बना के छोड़ दिया लॉ को। तो ये तो कहा कि एक फॉर्मल साइंस है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन से दूर हो गया वो। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। तो वो अपने दिमाग में आप सोचो क्या होना चाहिए और उससे आप बनाने लग जाओ लॉज को। तो इसमें फ़र्क क्या है कि जो लीगल पॉजिटिविज्म थी वो जो सॉवरेन की कमांड को स्टडी करता था, जो हॉलैंड का पॉजिटिव लॉज की थ्योरी है उसके अंदर आप इंटेलेक्चुअली अपना दिमाग लगा के थ्योरी बनाओ कि क्या होनी चाहिए लॉ और यहीं तक रुक जाओ, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसे एक्चुअल क्या वर्ड्स में प्रपुट करना है इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सिर्फ पर्पस, फॉर्मल साइंस डील्स ओनली विद पर्पस मेथड्स एंड आइडिया ऑफ द बेसिक लीगल सिस्टम। तो एक लीगल सिस्टम का जो पर्पस क्या है, क्या काम होना चाहिए लीगल सिस्टम से, किस तरह के मेथड्स होने चाहिए और किन आइडियाज़ को वो लीगल सिस्टम फॉलो करे, इससे आगे वो नहीं जाता था। वो एक्चुअल में क्या इन चीज़ों को उतार पाया है, कर पाया है लीगल सिस्टम, इससे कुछ लेने देने की मतलब नहीं था। तो मान लो अगर हम सोसाइटी के अंदर जस्टिस चाहते हैं और इक्वालिटी फॉर ऑल चाहते हैं तो आप इसी लेवल पर रुक जाओगे तो इससे इक्वालिटी फॉर ऑल थोड़ी ना आ जाएगी। इसके लिए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टडी करनी पड़ेगी, जिसको हॉलैंड करना नहीं चाहता था। जो इंट्रिकेसीज मानता था इसको हॉलैंड के, आप जब आप एक्चुअल उसकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हो तो उसकी इंट्रिकेसीज में जा रहे हो, उसकी डिटेल्स में जा रहे हो। फोकस इज ऑन द फॉर्म ऑफ एसेंस करता था, एसेंस पे फोकस था सारा, लेकिन प्रैक्टिस क्या है इसकी और एक्चुअल कंडीशंस, सोशल लाइफ और ह्यूमन रिलेशन। तो आपका जब कानून इम्प्लीमेंट होगा तो एक्चुअल कंडीशन क्या है और सोशल लाइफ लोगों की कैसी है और उस ह्यूमन रिलेशंस की क्या वैल्यू है। अब मान लो एक बूढ़ा आदमी है, अब वो बूढ़े आदमी ने कुछ कानून में वो उलझ गया तो उसको क्या आप सज़ा दोगे या नहीं दोगे, तो वो सोशल कंडीशन पर डिपेंड करता है। एक फादर ने अपने बेटे का कत्ल किया है तो क्या कंडीशन है उस पर, वो ह्यूमन रिलेशन की अगर वो आप नहीं समझोगे तो सिर्फ इस तरह से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से तो कुछ मिलेगा नहीं सोसाइटी को। अगला चलते हैं सैलमंड को पढ़ने। तो सैलमंड सेड ज्यूरिसप्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ ऑफ लैंड और सिविल लॉ। तो ये तो कॉमन था, ये तो हम पहले भी देख चुके थे। मान लो ऑस्टिन ने भी यही कहा था कि जो लॉ ऑफ लैंड है वो है ज्यूरिसप्रूडेंस। तो फ़र्क क्या था, तो फ़र्क यह है कि सैलमंड ने कुछ ज़्यादा कहा नहीं और इसकी क्रिटिसिज्म में यही माना जाता है कि इसने स्ट्रक्चर तो दिया ज्यूरिसप्रूडेंस को लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं दी। तो इसने पहले तो इसको दो भागों में बांट दिया ज्यूरिसप्रूडेंस को, एक जेनरिक
जिसके अंदर सारे लीगल डॉक्ट्राइंस और बॉडी ऑफ लॉ आ गया, सब चीज़ें, और फिर स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक को इसने फिर तीन भागों में तोड़ा। तो उसका पहला जो था वो तो था एनालिटिकल, एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक, कि आप अपने दिमाग से, जैसे आपका हॉलैंड कह रहा था कि एक एनालिसिस करो और उसके हिसाब से एक सिस्टम सोचो और उस सिस्टम को एक्सपोजिशन करो या उसको आप डिस्क्राइब करो। एक्सपोजिशन होती है उसकी एसे लिखना उस चीज़ पे। तो आप एक एनालिसिस करके एक सिस्टम को सोचो, उस सिस्टम को बयान करो, और इस ये जो है इट विल डील विद द कंटेंट्स ऑफ द एक्चुअल लीगल सिस्टम एग्जिस्टिंग एट एनी टाइम पास्ट और प्रेजेंट। तो आपने किसी भी लीगल सिस्टम के ऊपर इस तरह का एनालिसिस करो कि क्या होना चाहिए, या पुराना या प्रेजेंट, तो आपके पास एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आ जाएगा। दूसरा स्पेसिफिक में गए ये हिस्ट्री के अंदर, हिस्टोरिकल। तो इट इज़ कंसर्न्ड विद द लीगल हिस्ट्री एंड इट्स डेवलपमेंट। लीगल हिस्ट्री का मतलब होता है कि किस तरह की केसेस आते रहे हैं और उनकी क्या हमने स्टांस लिया है उनकी लीगल हिस्ट्री का। तो आपने जो भी कानून है किसी भी चीज़ के लिए, उसको हम हिस्टोरिकली कैसे इंटरप्रेट करते आए हैं, ताकि इसके अंदर आप फेरबदल ना हो। कंसिस्टेंसी भी होनी बहुत ज़रूरी है लॉ के अंदर। हर बार एक सज़ा करने पे एक काम करने पे एक ही सज़ा मिलनी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। एथिकल तो तीसरा स्पेसिफिक पॉइंट था एथिकल, जो उसके अकॉर्डिंग टू हिम द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन इज टू सेट फोर्थ लॉज एज इट ऑट टू बी। तो जैसे बेंथम ने सेंसोरियल फॉर्म कहा था, तो वो इसने एक तरह से एथिकल फ्रेमवर्क उसके लिए दिया है, जो एक आइडियल है लीगल सिस्टम के लिए और उस पर्पस के लिए वो एग्जिस्ट करता है। तो जब तक वो आइडियल सिस्टम मौजूद नहीं हो जाता, तब तक वो डेवलपमेंट लॉ की चलती रहेगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर करते रहेंगे हम। तो ये वो एक एथिकल या एब्सोल्यूट और आइडियल स्टैंडर्ड्स थे जिसको ये स्पेसिफिक ज्यूरिसप्रूडेंस में स्टडी करने के लिए इसने जगह बनाई। तो कंक्लूजन, ज्यूरिसप्रूडेंस का कंक्लूजन ये है, ये जेनरिक कंक्लूजन है कि आपके पास इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स। तो जो भी आपके लॉ के पीछे हिस्टोरिकली क्या चीज़ें हैं, जैसे हमने देखा नेचुरल लॉ, लीगल पॉजिटिविज्म, लीगल रियलिज्म, इस तरह से लेके, और स्पेसिफिक कि आपने क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या होना चाहिए, सिविल लॉ में क्या होना चाहिए, तो इस तरह से स्पेसिफिक। फिर एनालिटिकल आप करोगे अप्रोच, या फिर प्रैक्टिकल करोगे, एज इट इज़ टुडे करोगे या एज इट हैज़ बीन इन द पास्ट करोगे, और आप क्या नेचर से या नेचुरल ऑर्डर से आप कुछ चीज़ें ड्रॉ करोगे, नेचुरल लॉ, और क्या आप थ्योरेटिकली एक एथिकल स्टैंडर्ड्स को ऊपर डिस्क्राइब करके उससे ड्रॉ करोगे। तो ये जो भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं, ये इनकी स्टडी करते हैं आपके ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर। तो स्कोप ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है, तो ज्यूरिसप्रूडेंस जो है वो स्टडी ऑफ लॉज एंड द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी है। तो कोई भी कानून अगर है तो वो स्कोप ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस में आता है, जब तक उसका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी होना है। तो किसी भी कानून का इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी तो होना ज़रूरी है। इसको स्टडी करने के लिए अब दो तरीके हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। तो जनरल जहाँ पे आप स्टडी करोगे जब आप, तो फिर डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी होगी। सोसाइटी अपने आप में इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक उसका लीगल फ्रेमवर्क इम्प्रूव नहीं होता। तो जैसे जैसे कानून बढ़ेंगे, उसके ही आपकी सोसाइटी आगे जाएगी, आगे डेवलप करेगी। सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी क्या है ज्यूरिसप्रूडेंस की, तो ज्यूरिसप्रूडेंस कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल स्कूल ऑफ थॉट्स। तो ज्यूरिसप्रूडेंस जब आप पढ़ते हो तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के लिए भी आपके पास एक फ्रेमवर्क आता है कि इस तरह से पॉलिटिशियंस का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ एंड व्हाट ऑट टू बी, जैसे बेंथम ने कहा था। और इसी तरह से सोशल सोसाइटी भी आपकी कहाँ है और कहाँ होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड जो भी आपके सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना चाहिए तो क्या टैक्स लॉज होने चाहिए, किस तरह के, तो इस तरह से बहुत नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव शब्द का मतलब कि वो सजेस्ट करता है कि आप किस तरह, आपका ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए किस तरह के कानून आपके पास होने चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, नॉर्म्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो, उसको पहुँचने के लिए एक स्टडी का
सब्जेक्ट बन गया जूरिसप्रूडेंस। उसके अलावा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को डिफाइन करता है कि किन सिद्धांतों के ऊपर फिर ऊपर लॉज खड़े किए जा सकते हैं। मान लो इक्वालिटी फॉर ऑल है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनको हमने एक बार पिलर्स ऑफ लॉ मान लिया तो फिर उसके बेसिस पे, अब मान लो किसी आदमी ने किसी को और को मारा तो वो उसका फंडामेंटल राइट था राइट टू लाइफ, उसको ख़राब किया, तो हैंस उसके मारने पर उसको सज़ा होनी चाहिए। तो हम जो भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, उन्हें एस्टेब्लिश करने के बाद आपके पास और डिटेल के अंदर हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी पे कानून बनाने का मौका मिलता है आपको। डिफाइन लीगल ऑब्जेक्टिव्स, तो आपका जूरिसप्रूडेंस डिफाइन करती है लीगल ऑब्जेक्टिव्स, जो जिससे फिर आप मेक सिंपल लॉज मोर इफेक्टिव। तो आपने जैसे, तो एक लीगल ऑब्जेक्टिव हो गया कि सिंपल से सिंपल लॉ बनाओ जो कि इफेक्टिव हो अपने आप में, तो रियलिस्ट लीगल रियलिज्म के अंदर इसको माना जाएगा। नॉट लॉन्ग एंड अनइम्प्लीमेंटेबल, ऑल्सो अलाउ देम टू चेंज ओवर टाइम विद सोसाइटी, सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ इन डिटेल्स विद देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, टेकिंग नोट्स ऑफ डेवलपमेंट इन सोसाइटी। तो एक तो लीगल ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिफाइन किया, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉज एंड इन डिटेल, तो आपका कौन सा लॉ किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो अगर एक हस्बैंड वाइफ का लॉ है, अब हस्बैंड ने एक वाइफ को थप्पड़ मार दिया, तो क्या उस पर वही कानून लगना चाहिए जो एक स्ट्रीट फाइट का है, क्योंकि अगर आपने उस हिसाब से हस्बैंड को सज़ा दे दी तो हस्बैंड और वाइफ का हो सकता है रिलेशनशिप ही ख़राब हो जाए। तो जो आपके लॉज हैं उन्हें एक सोशल और कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। और इसके अलावा एक बिहेवियर किसी समय पे अलाउड हो सकता है और फिर अगले समय पे वो अलाउड नहीं है, तो सोसाइटी अपने आप में जब चेंज हो रही है तो इस कॉन्टेक्स्ट से हमें पता लगेगा कि क्या हम उस चीज़ को आज के दिन में अपना एटीट्यूड उस चीज़ पे चेंज करें। अब जैसे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने डाउरी के ऊपर चेंज किया है अपना स्टैंड, कि पहले डाउरी इंडिया के अंदर बहुत बड़ा सोशल इवल था, आज के दिन में बहुत सारी क्लास है मिडिल क्लास जिसके अंदर शायद डाउरी उतना बड़ा थ्रेट नहीं रहा, तो अब आज के दिन में प्रीएम्प्टिवली हस्बैंड को अरेस्ट कर देना ऑन डाउरी चार्जेस शायद उतना रेलेवेंट नहीं है। तो हर कानून को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। और जो भी एक्चुअल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गए, तो इनके इन कारणों से भी क्या चेंजेस हुए हैं सोसाइटी में, इनको मद्देनज़र रखना टू फॉर द सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ लॉज। ये थोड़ा मेरी गलती है, जैसे ये 1-2 पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है और ये वाला फोर्थ पॉइंट था कॉन्टेक्स्ट वाला, ये मेरे को ठीक करना चाहिए। गाइड्स इन एम्बिगुअस लीगल टर्मिनोलॉजी एंड एक्सप्रेशन, तो पांचवा आपका पॉइंट है कि अगर आपको जूरिसप्रूडेंस आपने पढ़ी है और आप कानून पढ़ रहे हो, वो कानून के अंदर की लैंग्वेज में आपको कुछ समझ नहीं आया, तो क्योंकि आपको मालूम है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को जूरिसप्रूडेंस होल्ड करती है, नॉर्मेटिव है जूरिसप्रूडेंस का एक स्कूल ऑफ थॉट, तो जो सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर एक को इक्वालिटी देना और मॉरल राइट्स प्रोटेक्ट करना, तो इस तरह के या किसी और की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट से अगर लीगल लैंग्वेज में आपको कभी नहीं क्लैरिटी है तो उस कॉन्टेक्स्ट से आप समझ सकते हो कि लॉ इन भाषा से क्या कहना चाहता है, तो एक पुराना पीछे से फ्रेमवर्क मिल जाता है आपको जूरिसप्रूडेंस से। प्रोवाइड्स रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन, तो वही आपको क्या रूल है इंटरप्रिटेट करने के लिए लीगल टर्मिनोलॉजी वो मिल गया। जूरिसप्रूडेंस रोल इन नॉर्मेटिव that deals with the improvement of law in prevailing social and economic philosophies. तो हमने पहले भी देखा था कि जो भी हमारी आज के दिन में, अगर हम मान के चले जैसे बेंथम ने कहा था कि what is and what ought to be, तो जो आपका आज के दिन में जो state of society है, अगर हम इसको वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ये होना चाहिए इसको what ought to be, तो हमारे पास एक framework बन गया जिससे हम कानून को improve करते चलेंगे ताकि हमारी सोसाइटी वहाँ पहुँच सके जहाँ हम उसको ले जाना चाहते हैं। रिलेशनशिप ऑफ जूरिसप्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेस, बिल्कुल ब्रीफ में मैं बताऊँगा, लंबा आप अपने लेवल पे कर लीजिएगा। जूरिसप्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी के अंदर हमारे पास एक नॉर्मेटिव अप्रोच को हम फॉलो कर सकते हैं
जहाँ पे हम सोशल वेलफेयर हमारी कैसे हो, कौन से वर्ग सोसाइटी के पिछड़े रह गए हैं, उनकी क्या मदद चाहिए, उनकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनको कैसे हम ऊपर उठाएं, इसके लिए हम ज्यूरिसप्रूडेंस की मदद लेके कानून बना सकते हैं जिनके जिससे वो वाले वर्ग और उस तरह की जो सोसाइटी है उनकी हेल्प की जा सके। तो सोशल वेलफेयर जैसे ऑब्जेक्टिव्स को हम ज्यूरिसप्रूडेंस और सोशियोलॉजी के मिक्सचर से पढ़ के बेहतर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ज्यूरिसप्रूडेंस एंड साइकोलॉजी के अंदर जैसे अब क्रिमिनोलॉजी है, तो क्रिमिनोलॉजी या क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर आप जो मोटिव्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिमिनल लॉ में, उसको स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी की मदद ली जा सकती है। क्रिमिनल पर्सनैलिटी क्या होती है उसको स्टडी करने के लिए आपकी साइकोलॉजी की मदद ली जाती है। रीजंस फॉर क्राइम को समझने के लिए, तो किसी की पैथोलॉजिकल नीड है कि उसको किसी और को नुकसान पहुंचाने में मज़ा आता है, तो अगर आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो सिर्फ ज्यूरिसप्रूडेंस या सिर्फ लॉ से आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लग सकता। और फिर उसकी सज़ा उस तरह से होनी चाहिए कि एक आदमी क्योर ही नहीं हो सकता, सीरियल किलर है, उसकी साइकोलॉजी जब आपने समझ ली तो उसके हिसाब से उसको शायद डेथ पेनल्टी भी आप दे दें। ज्यूरिसप्रूडेंस एंड एथिक्स, तो ज्यूरिसप्रूडेंस एंड एथिक्स के अंदर हम एक आइडियल ह्यूमन बिहेवियर मान के चलते हैं और उस आइडियल ह्यूमन बिहेवियर पे हम सोसाइटी को लाना चाहेंगे। ये आसान नहीं है और जल्दी नहीं होगा, लेकिन हमें मालूम है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके हिसाब से एक मॉरल कोड है कि हम क्या बिहेवियर चाहते हैं सब लोग हमारी सोसाइटी में रखें, और उस मॉरल कोड को, उस एथिकल बिहेवियर को मद्देनज़र रख के हम कानून बनाते चलेंगे जो इन एथिकल प्रिंसिपल और नेचुरल लॉ, या जो जिस ऑर्डर में स्वाभाविक है, नेचुरल मतलब स्वाभाविक, तो वो स्वाभाविक कानून क्या होने चाहिए, इन दोनों चीज़ों को हम मद्देनज़र रख के एक लॉज बनाते हैं जो इनकी सब्जेक्ट की कॉमन। पॉजिटिव मॉरल कोड, तो टू एस्टैब्लिश, तो हमें अगर मालूम है कि इक्वालिटी, फ्रीडम और जो आपके और इस तरह के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पे सब कानून लिखे हैं, उन प्रिंसिपल्स वो क्या हैं, ये हमें मॉरल या एथिक्स पहचानने में मदद करता है। और फिर हम इसके लिए एक पॉजिटिव कोड लिखते हैं, पॉजिटिव कोड मतलब जिसका क्लियर है ऑब्जेक्टिव कि हम ये हासिल करना चाहते हैं। एथिक्स के बेसिस पे हम लॉज को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं एंड नएओं को डेवलप करते हैं। तो अगर किसी समय पे अगर आप अंग्रेज़ नहीं हो तो आपको प्रमोशन नहीं दी जाएगी, तो इस लॉ को खारिज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक एथिकल स्टैंडर्ड्स को हमने यूज़ किया कि आप इक्वालिटी ऑफ मैन इज़ द एथिकल ट्रुथ, तो उसको हम मान के फिर हमने लॉज को एक क्रिटिसाइज़ किया और फिर अल्टीमेटली खारिज किया, हटाया उनको। ज्यूरिसप्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक स्टडी जो है वो मैनस एफर्ट्स, तो इकोनॉमिक्स के अंदर एक आदमी लिमिटेड रिसोर्सेज को अपने मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करता है और उसके लिए वो वेल्थ क्रिएशन करने की कोशिश करता है। तो ज्यूरिसप्रूडेंस अगर आप इकोनॉमिक्स से जोड़ोगे तो आपके पास कई थ्योरीज ऑफ गवर्नेंस आ जाएंगी कि आप कितना इंटरफियर करो एक नॉर्मल कॉमन मैन की इकोनॉमिक लाइफ में, कितना आप उसके क्या एटीट्यूड रखो। तो जैसे बेंथम कहता था कि आप लेजर्स फेयर हो जाओ, कि आपका एटीट्यूड सरकार का काम होना चाहिए सबसे कम दखल दे एक आदमी की इकोनॉमिक लाइफ के अंदर, तो ताकि वो अपने इकोनॉमिक्स के बेसिस पे अपनी मैक्सिमम वांट्स को खुद ही सेटिस्फाई कर लेगा। तो ये प्रिंसिपल हमें इकोनॉमिक्स ने दिया और इसे ज्यूरिसप्रूडेंस से देख के जोड़ के हमने एक गवर्नेंस की थ्योरी बनाई, जो गवर्नेंस की थ्योरी से फिर हमारे को कानून मिले। ज्यूरिसप्रूडेंस एंड हिस्ट्री, तो जो पास्ट और प्रेजेंट लॉज हैं और जो प्रेजेंट लॉज हैं उनका पास्ट में और सोशल सिग्निफिकेंस क्या था, इस चीज़ों को समझना जरूरी है। मान लो खाप पंचायत है, खाप पंचायत से कानून पास होते हैं कि इस लड़के को मार दो, इसको पिटाई कर दो या इसको घर में बंद कर दो, तो देखने में ये कानून बहुत पुराने या बहुत हमें नाजायज़ लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए आप चल दोगे बगैर ये समझे कि उन कम्युनिटीज़ की सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, तो आपका एक्चुअल रियलिस्ट स्कूल के अंदर वो लॉ इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। आपके पास ऐसा वो पुलिस वाले और वो लोग ये कहेंगे कि ये कानून जायज़ नहीं लग रहा, इसको हम छोड़ देते हैं। आप तो बहुत सारे
आपके सोशल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पढ़ के आपको कानून बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ज्यूरिसप्रूडेंस एंड पॉलिटिक्स, तो एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी जिसके अंदर एक पॉलिटिक्स के बेसिस पे जो आपकी गवर्नमेंट है वो बनती है, फिर वो गवर्नमेंट जो है वो कानून पास करती है, तो एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी रेगुलेट करती है एक लाइफ ऑफ सिटीजन, रेगुलेट मतलब कानून पास करती है, फिर वो कानून लागू होने से एक सिटीजन की लाइफ रेगुलेट होती है। तो जो कानून से फिर सिटीजन चेंज हुआ और सोसाइटी चेंज हुई और उस सोसाइटी ने फिर उस पॉलिटिक्स को चेंज किया, तो एक सर्कल बन गया एक तरह से कि सोसाइटी पॉलिटिक्स के रास्ते सरकार बनाती है, वो सरकार फिर कानून बनाता है, वो कानून से आपकी सोसाइटी चेंज होती है, वो सोसाइटी से फिर पॉलिटिकल के तौर पे सरकार बनती है। तो ये दोनों पॉलिटिक्स और ज्यूरिसप्रूडेंस या कानून जो है ये एक सर्कल में बंधे हुए हैं और इस सर्कल से चलते चलते आपका आगे चलती है, सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट होती है।